बाबा अमरनाथ यात्रा के लिए एडवांस पंजीकरण और हेलीकॉप्टर की टिकटों की बुकिंग को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह बढ़ता जा रहा है। बाबा अमरनाथ की यात्रा 1 जुलाई से शुरू हो रही है। इस साल 46 दिनों की यात्रा होगी और 15 अगस्त को यानी रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। यात्रा के लिए एडवांस पंजीकरण की प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरू हो गई थी। 1 महीने से अधिक समय के बीच जाने के बाद अब तक 60,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने एडवांस पंजीकरण करवा लिया है। यात्रा का समय नजदीक आने पर पंजीकरण करवाने वालों की संख्या में बढ़ोतरी की संभावना है और साथ ही पंजीकरण के लिए ज्यादा भीड़ जून में हो सकती है। उधर यात्रा के लिए 1 मई से शुरू हुई हेलीकॉप्टर सेवा की बुकिंग के लिए भी ऑनलाइन टिकटें हासिल करने के लिए श्रद्धालु उत्साह दिखा रहे हैं। 20 जुलाई तक काफी टिकटें बुक हो चुकी हैं। इस बार 3 हेलीकॉप्टर सेवाएं बुकिंग करवा रही हैं। जहां कुछ श्रद्धालु एक तरफा हेलीकॉप्टर सेवा की बुकिंग करवा रहे हैं तो वहीं कई निर्धारित दिन में अप एंड डाउन की बुकिंग करवा रहे हैं। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने टेंडर जारी कर दिए हैं। यात्रियों के लिए आधार शिविरों बालटाल पहलगाम दोमेल व यात्रा मार्ग पर अन्य पड़ावों में टेंट समेत अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं। यात्रा मार्ग पर बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए भी प्रबंध किए जाएंगे। गौरतलब है कि अगले महीने जून में यात्री मार्ग पर बर्फबारी का जायजा लिया जाएगा। राज्यपाल और श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी उमंग नरूला यात्रा मार्ग और जरूरी सुविधाओं का जायजा लेंगे। जून में ही यात्रा मार्ग से बर्फ हटाने और मरम्मत कार्य शुरू हो जाएंगे। बालटाल में अस्थायी अस्पताल भी स्थापित किए जाएंगे, साथ ही माउंटेन रेस्क्यू टीम का गठन भी किया जाएगा। ये टीमें यात्रा के दौरान कैंपों में तैनात रहकर श्रद्धालुओं की मदद के लिए तत्पर रहेंगी। मौसम खराब होने पर किसी यात्री के फंस जाने पर ये टीमें उन्हें सुरक्षित निकालेगी। आपको बता दें कि गांधरबल और अनंतनाग के डिप्टी कमिश्नरों ने यात्रा के प्रबंधों का जायजा लेने के लिए कुछ बैठकें भी की और साथ ही प्रबंधों को बेहतर बनाने के लिए कहा है। अधिकारियों के मुताबिक यात्रा शुरू होने से 1 सप्ताह पहले तक सभी प्रबंध पूरे कर दिए जाएंगे। जिस तरह से एडवांस पंजीकरण के लिए श्रद्धालुओं में उत्साह दिख रहा है, उससे लगता है कि आने वाले दिनों में पंजीकरण का ग्राफ तेजी से ऊपर जाएगा।